इस पिक करेंगे। मेरी 10 की सीधा साधा की टीम सिर्फ किसी ना किसी खबरों के चलते लाल हरा है। स्टॉक्स का बिहेवियर आज के मार्केट्स में आप प्लीज देखिएगा। अपने डिसेंट Q1 परफॉर्मेंस के चलते नारायणा और GSK फार्मा ग्रीन, HEG स्प्लिट के लिए बोर्ड मीट करना चाहती है, डिलीवरी घाटे से मुनाफे में आ गई, इन्फीबीम एवेन्यूज इसने एक एक्विजिशन करा रीडेफ इंडिया का, लाल में रखा है LIC हाउसिंग फाइनेंस कमजोर Q1, भारत फोर्ज वो क्लास 8 ट्रक्स का फिर कमजोर ऑर्डर का आंकड़ा, एपटेक और शीला फोम खराब Q1 परफॉर्मेंसेस खासतौर पे मार्जिन कॉन्ट्रैक्शंस, और ग्लैंड फार्मा के एक प्लांट पे USFDA की आपत्तियां। ओके, SBI के नंबर कमजोर है, प्रोविजंस बढ़े हैं, सेट क्वालिटी गड़बड़ाई है, NIM नीचे है, तो इसलिए इसको रेड में रख रहे हैं। SML Isuzu, अमर राजा, CDSL, FL, सामी होटल, ये सब के नंबर बहुत ही बढ़िया है। वेबसोल, शारदा मोटर्स के भी नंबर अच्छे हैं, और गोल्ड में चूंकि डिमांड अचानक से बहुत बढ़ गई रेड ड्यूटी कट के बाद, तो कल्याण और सेनको को ग्रीन में रखा है। ओके, तो आपने रिजी और आशीष की टीम को देखा। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत संक्षेप में दो ट्रेड्स आपके। वेरी गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। देखिए मार्केट देखे तो मंदी के ट्रेड यहाँ पे सामने आ रहे हैं। आशीष जी की टीम में जो सबसे वीक है वो LIC, इसका जो टारगेट होना चाहिए 700 का पहला होगा, 670 का दूसरा होगा, स्टॉप लॉस 750 का होगा। नीरज जी की टीम देखे तो SBI, मुझे लगता है यहाँ पे क्रैक आ सकता है आज। स्टॉप लॉस जो रखना है वो रहेगा 860 का, और जो टारगेट है वो करीबन 815 का होगा। दोनों सेल साइड के ट्रेड है, लेकिन सिर्फ एक ही कहना है, अगर सीधा टारगेट के आसपास ही खुलते हैं तो फिर इसे अवॉइड करें। क्विकली आज मंडे के टॉप 10, भाई 4 निफ्टी के रिजल्ट्स हैं। पहले सबसे